नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। भोपाल में आयकर विभाग ने देश के कई राज्यों में फैले 1,000 करोड़ से अधिक के हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इसके मास्टरमाइंड मध्य प्रदेश में बैठकर ये गौरव धंधा चला रहे थे। देश में अपनी तरह के इस अनूठे फर्जीवाड़े में काली कमाई को बोगस कंपनियों और फर्जी खातों में घुमाकर नंबर एक में बदला जा रहा था। बैंकों की साठगांठ भी मिली है। काले धन के बदले ये कारोबारी देश के किसी भी शहर में चौक जारी कर देते हैं। आयकर ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर छानबीन शुरू कर दी है। सिंहस्थ 22 अप्रैल यानी कि आज से शाही स्नान से शुरू हो गया है। महापर्व को लेकर मेला प्रशासन की तैयारी और सुविधाओं से संतों की नाराजगी के बीच सरकार आश्वस्त है कि सिंहस्थ पूरी तरह सफल होगा। कमान संभाल रहे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, भगवान महाकाल सिंहस्थ को सफल बनाएंगे। उनसे यही कामना है। साधु संतों के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री के प्रयासों से व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। चर्चा में मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, महापर्व देश दुनिया की करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे पूर्व विधायक अश्विन जोशी और शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष महमूद कुरैशी के बीच जमकर मारपीट हुई। वहां मौजूद अन्य नेताओं ने किसी तरह बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। बाद में जोशी ने मामले की शिकायत दिग्विजय सिंह से भी की। घटना गुरुवार रात की है। कुरैशी एयरपोर्ट पर प्रवेश के पास बनवा रहे थे। उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा, देवेंद्र सिंह यादव, पाशंकर शुक्ला सहित दो अन्य नेताओं का पास बनवा लिया। कुछ देर बाद जोशी पहुंचे थे। उज्जैन में वैशाख कृष्ण प्रतिपदा शनिवार से विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल में गलंतिका बंधेगी। भगवान महाकाल के शीश पर अविरल जलधारा प्रभावित की जाएगी। वैशाख मास में शिप्रा स्नान और दान का विशेष महत्व है। पूरे माह अनेक व्रत त्योहार मनाए जाएंगे। सिंहस्थ महापर्व के साथ इस पुण्य पवित्र मास के आने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पुजारी आशीष गुरु ने बताया, शनिवार तड़के भस्म आरती के बाद मंदिर में गलंतिका बंधन होगा। भगवान के शीश पर गंगा, सिंधु, कावेरी, शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, नमुना, चरणवती आदि नदियों के नाम लिखे 11 मिट्टी के कलश बांधे जाएंगे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी और बीकॉम के करीब 1,00,000 छात्र किताबों के लिए परेशान हो रहे हैं। अब समस्या ये है कि परीक्षा जून में शुरू होना है, लेकिन क्षेत्रीय केंद्रों में अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं। विश्वविद्यालय ने किताबों की छपाई का ऑर्डर हिंदी ग्रंथ अकादमी को दिया है। इस मामले में हिंदी ग्रंथ अकादमी और भोज विश्वविद्यालय एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भोज विश्वविद्यालय अपनी किताबों की छपाई हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से करवाता है। विश्वविद्यालय ने अकादमी को 3 करोड़ रुपए की किताबें छपाने का ऑर्डर दिसंबर जनवरी में दिया गया था, लेकिन अब तक क्षेत्रीय केंद्रों के पास किताबें नहीं पहुंची हैं। इस संबंध में हिंदी ग्रंथ अकादमी का कहना है कि सभी किताबें तैयार हैं, लेकिन क्षेत्रीय केंद्र के रीजनल डायरेक्टर किताबें लेने नहीं आ रहे हैं। भोपाल के एमपी नगर में गुरुवार की शाम को दो बदमाश प्रवृत्ति के युवकों द्वारा अलग अलग घटनाओं में दो लोगों से शराब के लिए अड़ीबाजी की गई। जब रुपए नहीं दिए तो उन्हें चाकू से मारकर घायल कर दिया, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक हर्ष मेहरा और दीपू यादव नाम युवक गुरुवार की शाम को एमपी नगर में घूम रहे थे। उन्होंने शराब पीने के लिए पहले गौरव नामक युवक को पकड़ा और उससे रुपए मांगे। जब उसने रुपए नहीं दिए तो चाकू से उसके हाथ और पैर को जख्मी कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रामजी नामक युवक को पकड़ लिया और उससे भी शराब पीने के लिए अड़ीबाजी की, उससे भी रुपए की मांग की, लेकिन जब उसने रुपए नहीं दिए तो चाकू से गर्दन काटने की कोशिश की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर emstv की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डेंगू फाइटर और मैंने अपने घर में इंसान के सबसे बड़े दुश्मन मच्छर को हराया है। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी जंग जीती कैसे, तो आइए बताता हूँ। डेंगू मच्छर के काटने से होता है और पानी ठहरेगा जहाँ मच्छर पलेगा वहाँ। इसीलिए उठाइए डेंगू के खिलाफ 5 बड़े कदम। छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी जमा न होने दें। सप्ताह में एक दिन गमले, डिब्बे, बाल्टी, कूलर आदि का पानी खाली कर इसे सुखाकर भरें। कूलर में लगी पुरानी खस को जलाकर नई खस लगाएं। पानी के बर्तन को हमेशा ढक कर रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। बुखार के लक्षण आते ही शासकीय चिकित्सालय जाएं और निशुल्क उपचार पाएं। याद रखें, शीघ्र उपचार जान बचाएगा, विलंब घातक होगा। हमारी जिंदगी, हमारी लड़ाई। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े,
समाज बढ़े। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश।